इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर, जहां महू में नर्मदा पाइपलाइन धमाके के साथ फूटी है। आपको बता दें, वेटरनरी कॉलेज एबी रोड पर यह पूरा जोरदार धमाका हुआ है। 20 फीट ऊंचाई तक ये पानी उछला है, तो पूरे क्षेत्र में पानी फैला है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो आसपास की गुमटियां कई घरों में पानी भरा है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां महू में नर्मदा पाइपलाइन धमाके के साथ फूटी है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पूरे क्षेत्र में पानी फैला हुआ है, सड़कें तालाब बन गई हैं। इंदौर के महू की ये पूरी तस्वीरें हैं, तो 20 फीट ऊंचाई तक ये पानी उछला है। आसपास की गुमटियां घर पानी से भर गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राधे कौशल जुड़ चुके हैं। जी राधे, महू में नर्मदा पाइपलाइन धमाके के साथ फूटी है, क्या कुछ जानकारी, कैसी स्थिति है अभी वहां पर? करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की लाइन है, जो आज सवेरे करीब 9 बजे एकदम धमाके जोरदार धमाके के साथ फूटी है। और फूटते ही करीब 20 फीट ऊंचाई तक के पानी बहा, जिससे लोग घबरा गए, लोग इधर उधर भागने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो उसके सामने आ रहा था वो बह जा रहा था। कई गुमटियों का सामान भरा बाहर रखा हुआ बह गया, ठेले बह गए, पानी पूरा रोड सामान तालाब नुमा हो गया, कई घरों में भी इस दौरान पानी भर गया। जी राधे, लेकिन जो तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ होगा, साथ ही पानी के बहाव को रोकने के लिए कोई अधिकारी मौके पर मौजूद है कि नहीं? जी, घटना के करीब 1.5-2 घंटे तक के तो कोई भी परियोजना का अधिकारी नहीं मौके पर पहुंचा था। हालांकि कई बार सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जी, अभी क्या स्थिति है, पानी के बहाव को रोका गया है कि नहीं? अभी भी लगातार पानी बह रहा है जोरदार तरीके से, कोई परियोजना के अधिकारी अब आने लगे हैं। जी राधे, और जो गुमटियां हैं वहां पर, क्योंकि अब क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा है, वो तो पूरी डूब गई होंगी, साथ ही जो लोग हैं, तो इस बीच अगर कोई जनहानि की खबर? जी, इसमें जनहानि की तो कोई खबर नहीं है, परंतु हाँ, कई लोगों का कुछ एक सामान जो गुमटियों के बाहर रखा था, कुछ हल्की फुल्की कुर्सियां, टेबल, पानी की टंकी, ये जरूर बही, जिसे लोगों ने बाद में इधर उधर से रोका।